क्या चिराग पासवान अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? क्या चिराग पासवान बीजेपी से विधानसभा में गठबंधन तोड़ेंगे? चिराग पासवान किस विधानसभा की बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि अगर होगा, अगर बात नहीं बनती है, सीटों पे बात नहीं बनती है, तो हम अकेले भी लड़ने के लिए तैयार हैं। कितने सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, ये भी एक बड़ा सवाल। और बीजेपी, क्योंकि जदयू और बीजेपी और जो लोजपा रामविलास की जो पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी, ये कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, कितने सीटों की मांग है चिराग पासवान की बीजेपी के सामने, कितनी मांग रखी गई है सीटों की, ये भी एक बड़ा सवाल। पिछली बार कितने सीटों पर लड़े थे, ये सारे सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में और इस वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम सूर्यकांत शर्मा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति की दुनिया। तो राजनीति की दुनिया में आज राजनीतिक खबर पे, और खबर कुछ ऐसी कि चिराग पासवान का एक बयान आता है और उसके बाद पूरी राजनीति में हड़कंप सा मच जाता है, राजनीतिक गलियारों में सियासी पकवान पकने लगते हैं। दरअसल एक बयान चिराग पासवान का आता है कि अगर सीटों पे बात नहीं बनी तो हमारी पार्टी अपने दम पर भी चुनाव लड़ने के लिए सक्षम और तैयार है। अभी किस विधानसभा की बात हो रही थी, तो दरअसल झारखंड में विधानसभा का चुनाव है साल के अंत में, और उस विधानसभा चुनाव में रांची में चिराग पासवान थे और अपने तमाम पार्टी के नेताएं, उनके कार्यकर्ता मौजूद, और उन्होंने वहीं पे कहा था कि हम अगर बात सीटों पे नहीं बनती है तो हम अपने दम पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल जो उनकी पार्टी है चिराग पासवान की, आपको बता दें कि 40 सीटों पर जो है दावा ठोक रही है, तैयारी है पूरी तरीके से, और 28 सीटों की डिमांड, जो खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान 28 सीटों की डिमांड बीजेपी के सामने रखते हुए उनकी पार्टी नज़र आ रही है। LJP रामविलास जो पार्टी है उनके तरफ से कहा गया है कि हम 40 सीटों पर पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं और 28 सीटों पर हम पुरजोर तरीके से उतरेंगे, यानी कि वहाँ पर हम पूरी ताकत से उतरेंगे। यानी कि ये साफ है कि 28 सीटों का डिमांड जो है वो लोजपा रामविलास पार्टी की तरफ से झारखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने रखा गया है। आपको बता दें कि पहले ही जदयू, क्योंकि जदयू भी वहां से चुनाव लड़ रही है, तो जदयू 11 सीटों की डिमांड कर चुकी है और 11 सीटों की बात कर चुकी है। अब कहना यूं है कि झारखंड में टोटल जो सीटें हैं 81 सीटें हैं, और 81 सीटों में से 28 सीट लोजपा रामविलास की पार्टी चाहती है, यानी चिराग पासवान की पार्टी चाहती है कि वो हमें मिले। अब इसमें 11 सीटें जदयू चाहती हैं। अब इस पर किस तरह से समीकरण बनेगा? चिराग पासवान, जिनकी लोकप्रियता भी बढ़ी है, और आप देखिए कि इस बार लोकसभा के चुनाव में उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, 5 सीटें मिली थी उनको बिहार में और 5 के 5 सीटें उन्होंने निकाली थी। इसके अलावा 2014 में भी उन्होंने झारखंड में चुनाव लड़ा था, उनकी पार्टी 1 सीट जीतने में कामयाब रही थी, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये दावा काफ़ी तगड़ा हो रहा है। अब इसमें जो राजनीतिक तरीके के जो राजनीतिक पकवान पक रहे हैं गलियारों में, तो ये पक रहा है कि क्या बीजेपी या NDA और चिराग पासवान के बीच कुछ खटपट है। तो उस पर भी चिराग पासवान ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री हैं तब तक मैं हूँ। तो ये बयान अपने आप में ये जाहिर करता है कि
बात बन ही जाएगी, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन चिराग पासवान ने सीधा सीधा एक संदेश भी बीजेपी को दे दिया है कि हमें अगर इतने नहीं मिलते हैं तो हमारी तैयारी अकेले भी अपने दम पे चुनाव लड़ने की है। खैर, ये थी। अब चिराग पासवान क्योंकि चाहते हैं कि उनकी पार्टी का विस्तार हो बिहार से, अब ये पार्टी कम से कम बिहार के पड़ोसी राज्यों तक तो कम से कम फैले हैं, जिसमें झारखंड एक प्रमुख राज्य है। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर बात होती है, क्योंकि बीजेपी के सामने एक बड़ा चुनौती तो होगा ही, क्योंकि 28 सीटें, 11 सीटें यानी 39 सीटों की बात होगी, उसके अलावा बाकी सीटें तो बीजेपी के सामने अपने जो और दल हैं उनको संतुष्ट करना, उनको मनाना, ये सारी चुनौतियां रहेंगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, चिराग पासवान झारखंड विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें जीतेंगे और उनको कितनी सीटें बीजेपी देने वाली, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।